हाँ जी मैम, पब्लिक डू नॉट कंट्रीब्यूट देन। नहीं, पब्लिक कर रही है ना, पब्लिक कर रही है। थोड़े दिनों में ही थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का पैसा आ गया, इसमें बहुत पैसा आ गया, डोनेशंस हैं जो बहुत आ गई। ये बात नहीं है कि पब्लिक कर नहीं रही, कॉरपोरेशंस कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब कर रहे हैं। ओके मैम। हाँ जी, बजट की सपोर्ट गवर्नमेंट को लगता है कि उनके पास पैसा थोड़ा मतलब इसके लिए नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको पैसा नहीं दिया। पीएम केयर्स फंड को बजट की कोई सपोर्ट नहीं दी। ओके, इसकी चेयरिंग अथॉरिटी कौन सी है इसकी? इसकी चेयरिंग अथॉरिटी है पीएम। ओके, देन हमने जैसे बताया मैंने आपको कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स जो कंपनीज वगैरह दे रही हैं उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स हैंडल हो जाएगा। एंड इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आती है वहाँ पे कुछ रेगुलेशंस लगती हैं, उसके रिलेटेड इसको एग्जाम्पशन है। ये फंड है ना, इसको एग्जाम्पशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें से जो प्रोविजंस लगेंगी उसमें से एग्जाम्पशन है। ओके मैम, समवन इज डूइंग एनोटेशंस। या आई नो, ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। हम लोग पीएम केयर फंड की बात कर रहे थे, कौन चेयर कर रहा है इसको? पीएम चेयर कर रहे हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, एंड थ्री पर्संस और नॉमिनेट कर सकते हैं, जो एमिनेंट पर्संस होंगे उनको नॉमिनेट करेंगे। ओके, पीएम एक तो पीएम खुद होंगे और एक क्या करेंगे, थ्री पर्संस हैं जो उनको नॉमिनेट करेंगे। देन उसके बाद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गया, होम अफेयर्स वाले मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वो क्या है इसके एक्स ऑफिशियल ट्रस्टीज होंगे फंड के। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ये फंड किस फंड से डिफरेंट है? अगर हम नेशनल रिलीफ फंड की बात करें, एक हमारे पास और है फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये फंड है उस फंड से डिफरेंट है। ओके, वो नेशनल रिलीफ के लिए है, इंडिया में कोई भी इशू आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, कोई अर्थक्वेक की सिचुएशन आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, उन केसेस में प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, इसे हम स्टेट्स भी यूज कर सकती है। स्टेट्स, हाँ जी, स्टेट्स को कंट्रीब्यूशन मिलेंगी ना, पीएम डिसाइड करेंगे, ही इज द चेयरिंग अथॉरिटी, ये पीएम के अंडर है, स्टेट्स इंडिविजुअली नहीं यूज करेंगी। जो फंड्स वगैरह अलॉटमेंट कौन करेगा, पीएम अलॉट करेंगे, पीएम देखेंगे कि किस सिचुएशन में ज्यादा प्रॉब्लम है, किस स्टेट में ज्यादा फंड की रिलीफ की जरूरत है। सेंटर के पास पावर है, इतनी पावर स्टेट के पास नहीं है इस फंड के अंदर, बिकॉज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा पीएम ही है सब कुछ उसके। देन वो तीन पर्सन और नॉमिनेट करेंगे, देन डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर्स हो गए, देन अपने फाइनेंस मिनिस्टर हो गए इंडिया के, वो इस फंड के ट्रस्टीज हैं। मैम, लाइक इन असम देयर फ्लड्स एंड ऑल दीस कैलामिटीज, सो दिस फंड वुड बी यूजफुल। या इंडियन गवर्नमेंट विल डिसाइड ना वेयर टू यूज दिस फंड और वेयर नॉट, दिस इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। स्टेट्स गवर्नमेंट हैव दे स्टार्टेड देयर ओन फंड्स, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड देयर ओन फंड बाय सीएम्स फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, in which you can make contributions to the state. Okay, then next, PM relief fund, PM national relief fund. PM national relief fund kis year mein create hua? Ye fund create hua 1948 mein. Okay, kis year mein create hua? 1948 mein PM national relief fund. और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था जो पब्लिक कंट्रीब्यूशंस लेना फॉर द असिस्टेंस ऑफ पार्टीशन रिफ्यूजीज, जो पार्टीशन की वजह से रिफ्यूजीज आए हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज देना। ओके,
उसके बाद ये यूज होने लग गया नेचुरल कैलामिटीज के लिए, कि जैसे किसी स्टेट में कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया या किसी में फ्लड की सिचुएशन आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए. ओके पहले क्या होता था, ये फंड था जो पीएम के अंडर ही था, पीएम एक कमेटी बनाते थे उसके अंडर होता था, बट 1985 से ये कमेटी को पूरी पावर दे गई है, इंटायर मैनेजमेंट फंड की कमेटी को जो थी टू द प्राइम मिनिस्टर को दे गई है. अभी पूरा अथॉरिटी किसके पास है, नेशनल रिलीफ फंड की, पीएम के पास. अभी अथॉरिटी वगैरह के पास, कमेटी के कोई पास कोई पावर नहीं है, सब पावर्स किसके पास है, पीएम के पास. ओके डन, किसी को डाउट हो तो मैम. ओके नेक्स्ट करंट अफेयर कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, किसी को कोई आइडिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? ओके बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है भारती, बताइए. हाँ जी भारती बताइए, आप बताना चाहते थे, बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है. आप ही बता दो मैम. ओके चलिए मैं ही बता देती हूँ, अगर कोई आई थॉट कोई बताना चाहता है. नॉट टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, वेरी गुड भारती ने बताया कि नॉट टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जैसे आप कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे तो क्या होगा, कोर्ट आपके अगेंस्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, प्रॉपर लॉ है, उसके अंडर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है. ओके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किस ईयर में पास हुआ, 1975 में पास हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट. इसके अंडर कोर्ट को कोई भी कोर्ट है, लोअर टू हायर लेवल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से लेके टू द सुप्रीम कोर्ट तक, सबके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर पास कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन एडिक्वेट जो ऑर्डर दिए हैं कोर्ट ने उनको फॉलो नहीं कर रहा. देन उसके बाद आर्टिकल है हमारे पास 215 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब भी आप करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 215, उसमें आप देखोगे कि पावर्स दी गई हैं हाई कोर्ट को, कि अगर कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा कोई कोर्ट, एनीवन, एनी इंडिविजुअल, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं कोर्ट. ओके अंडरस्टैंड, किसी को डाउट हो? ओके नेक्स्ट हम नेक्स्ट करंट अफेयर कर रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए जो मैंने अभी तक करवाए पेपर पेन के साथ, ठीक है, कर रहे हो आप नोट? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, नेक्स्ट वाला ये कर रहे हैं हम. ठीक है HEFA, HEFA क्या है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी. ये एजेंसी किस काम के लिए बनाई गई? ये एजेंसी है, जॉइंट वेंचर है किसका किसका? HRD मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एंड कानरा बैंक का. ओके आर यू नोटिंग डाउन मैम? HRD में चेंज हो गया ना अब नाम उसका, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया शायद. हाँ जी हाँ जी, उसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से नेम चेंज हो गया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया अभी उसका नेम लेटेस्ट. ओके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो पास हुई थी उसके साथ इसका नेम चेंज हो गया HRD मिनिस्ट्री का, अभी नेम क्या हो गया इसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. एंड हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जो कि क्या करेगी, हायर एजुकेशन को फाइनेंस करेगी. ये किस किस की वेंचर है? ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज HRD एंड कानरा बैंक का.
प्रोपोर्शन क्या क्या है इनकी, एचआरडी मिनिस्ट्री का 90% शेयर है एंड 9% किसका है, कैनरा बैंक का, जो ये अपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, ये रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट एज यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी। ये एक यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी का इसको स्टेटस दिया गया है अपने कंपनीज एक्ट के अंडर। कंपनीज एक्ट समझते हैं? कंपनीज एक्ट जिसमें कंपनीज रजिस्टर होती हैं, कंपनीज के पूरे लॉज लिखे हुए हैं कि कैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर चूज होगा, कैसे मेंबर्स होंगे, एवरीथिंग। कंपनीज एक्ट है वो 2013 में पास हुआ था, उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, इसको स्टेटस मिला है कंपनी का, रजिस्टर हुई है उसके अंडर एक्ट के एज अ यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी। अंडरस्टैंड? ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, किसी का कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क। देन उसके बाद, एंड ये एक तो कंपनीज एक्ट के अंडर एज अ यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी रजिस्टर हुई है, एक एक क्या है ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग नेशनल बैंक है जो फाइनेंसिंग एजेंसी है आरबीआई के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हुआ है आरबीआई के साथ, जो डिपॉजिट नहीं लेता, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ये क्या देंगे, लोन्स वगैरह देंगे। इसका मेन पर्पज क्या है कि इंडिया की प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको टॉप पे लेके जाना, वर्ल्ड रैंकिंग्स में उनका अच्छा रैंक आए, उनमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे बन पाए। ओके, समझ रहे हो? किसी को कोई डाउट हो? Yes, ma'am. किसी का कोई डाउट हो? No, ma'am. Okay. सबको समझ आ रहा है ना? किसी का कोई भी डाउट हो यहीं तक, यू कैन आस्क मी लास्ट लेक्चर्स में, कुछ भी कहीं से भी आपका कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। अभी तक हमने जो ma'am, भी हाँ जी ma'am, I have not understood this RBI, मतलब ma'am first it was like HEFA has a joint venture with HRD and Canara Bank. हांजी हांजी. And then it is RBI. So समझ गई. हांजी बोलिए बोलिए. ये पत क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा. Ma'am, I'm saying that RBI, Reserve Bank of India, would be giving fund to this agency. हाँ जी हाँ जी, इसमें contribution होगी. ना जो RBI है contribute करेगी, ये Companies Act के under as a government company का status मिला है इसको. कि ये government की company है, इन्होंने किस purpose के लिए काम करना है, जो अपने colleges हैं, universities हैं, educational institutions हैं, उनको fund देना है. फॉर द पर्पज के वो डेवलप कर पाए खुद को, उनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सो दैट जो वर्ल्ड की रैंकिंग्स होती हैं, हमारी इंडिया की रैंकिंग है, जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की रैंकिंग है, इम्प्रूव हो पाए वहाँ पे। ओके, एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर हुआ है कंपनीज एक्ट के अंडर, एक ये आरबीआई के साथ, ये क्या नॉन डिपॉजिट टेकिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल की तरह रजिस्टर हुआ है, मतलब जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है आरबीआई के साथ, जो आरबीआई ने इसको कैसा स्टेटस दिया है, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आरबीआई ने स्टेटस दिया है, एंड गवर्नमेंट कंपनी के रूप में ये रजिस्टर हुआ है विद कंपनीज एक्ट के अंडर। अंडरस्टैंड? एक कंपनी का स्टेटस मिला है इसको। कोई डाउट हो, समझ में आ गया आपको? अभी आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नो मैम। ओके, ये डाउट किसका था, उन किसका डाउट था, ये वंशिका का था। ओके ओके, डाउट क्लियर हो गया ना? यस मैम। ठीक है जी,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कर रहे हैं हम जीरो माइल सेंटर। इंडिया का एक जीरो माइल सेंटर है, जीरो माइल सेंटर बता सकते हैं कौन सा है? इंडिया का एक सेंटर है, मतलब इंडिया की एक सिटी है जो इंडिया के टोटली सेंटर में है एंड उसको जीरो माइल सेंटर का स्टेटस मिला हुआ है, क्योंकि रीजन क्या है, वो इंडिया के बिल्कुल ही सेंटर में है। कोई बता सकता है? महाराष्ट्र में है वो। मैम स्क्रीन बंद हो गई है। हाँ जी हाँ जी, मैंने बंद की हुई है अभी अभी, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ना फिर इसी वजह से। अभी स्क्रीन का तो कोई काम नहीं है, हम नेक्स्ट करने वाले हैं। चलिए आप ये मुझे क्वेश्चन बताओ। हाँ जी कौन सा? चलिए मैं बता देती हूँ, ये महाराष्ट्र में नागपुर है। आपने नागपुर की लोकेशन देखी है कहाँ मैप पे? नागपुर, वेरी गुड। नागपुर की लोकेशन देखी है किसी ने मैप पे क्या है? देन नागपुर की लोकेशन का आइडिया है किसी को कहाँ है? नहीं, चलिए दिखा देती हूँ आपको नागपुर कहाँ है। ये रहा नागपुर, अगर हम मैप में देखें ना, ये गूगल मैप के थ्रू दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे हो ना नागपुर कहाँ है? नागपुर इंडिया के टोटली सेंटर में है। ओके, नागपुर को क्या कहते हैं? समझ रहे हो जीरो माइल सेंटर कौन सा है? जीरो माइल सेंटर ये देखिए, जीरो माइल सेंटर कौन सा है? नागपुर। नागपुर रीजन बीइंग इंडिया के बिल्कुल ही सेंटर में है, इंडिया के जियोग्राफिक सेंटर है ये, टोटली इंडिया का जो सेंटर बोले वो सेंटर है। ओके ठीक है जी। यस मैम। आज आप लोग आवाज क्यों नहीं बोल, क्यों नहीं रहे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा? हाँ जी। नो मैम। ओके, सबको कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रहा है ना सबको? ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आ रहा हो। यस मैम। क्या यस मैम, समझ नहीं आ रहा जो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है जी। जीरो हंगर प्रोग्राम, नेक्स्ट चलते हैं जीरो हंगर प्रोग्राम की तरफ। जीरो हंगर प्रोग्राम क्या है? जीरो हंगर प्रोग्राम ये क्या है, कोई बता सकता है? हंगर के साथ रिलेटेड है, इंडिया ने लॉन्च किया था लास्ट रिसेंटली कुछ, कोई बता सकता है जीरो हंगर प्रोग्राम क्या है? फूड बांटने के लिए मैम, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वगैरह। ये जीरो हंगर कोई शादी वगैरह हो रही तो वहाँ का बच्चा हुआ, खाना वगैरह, कोई फंक्शन और उससे जीरो हंगर प्रोग्राम क्या है? जीरो हंगर प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? ICAR। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये शुरू किया किसकी कलेबोरेशन के साथ? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, किस किस ने शुरू किया ये मेन प्रोग्राम किसका है? ICAR का। ICAR का फुल फॉर्म किसको पता चला बताइए? मैंने बोला है अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी गुड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये उसका प्रोग्राम है जीरो हंगर प्रोग्राम। एंड किसकी एसोसिएशन के साथ, किसकी कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ये
ICMR वो क्या है? इंडियन मेडिकल, हाँ जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वेरी गुड. ये दोनों की कोलैबोरेशन में प्रोग्राम चल रहा है. एंड इसका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है कि इन्होंने जीरो हंगर इंश्योर करनी है. जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल 2 है ना, जो जीरो हंगर, उसको इंश्योर करना है. मैम दी मिड डे मील स्कीम्स आल्सो कम्स अंडर दिस प्रोग्राम? नहीं, वो डिफरेंट कांसेप्ट है जी. मिड डे मील इज अ डिफरेंट कांसेप्ट. इसका आप सुनिए अभी. जीरो हंगर प्रोग्राम वो तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है ना मिड डे मील. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फूड वाली होगी, देन हेल्थ होगी, देन चिल्ड्रन वाली होगी, ये सब मिलके करवाते हैं ना मिड डे मील. तो ये तो जीरो हंगर प्रोग्राम है. ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इनिशिएटिव है. उन्होंने किसके साथ स्टार्ट किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ. इनका पर्पस क्या है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल 2 है. आपको आज चेक करने हैं गूगल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं. 15 गोल्स हैं, 14-15. आपको ये चेक करने हैं. उनकी एक पिक्चर मिल जाएगी आपको, वो आपको अपने फोन में डाउनलोड वगैरह करके उसको लर्न करना है कि कौन सा गोल है. नंबर 1 गोल कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है. ओके, करोगे ना? अभी हम बात करते हैं जीरो हंगर प्रोग्राम की. ये प्रोग्राम है, इंटरवेंशन करनी है. इंडिया का प्रोग्राम है फार्म सेक्टर्स में इंटरवेंशन करके ऐसी प्रोडक्शन करनी है जो हमारा एग्रीकल्चर भी इंश्योर करे, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, एंड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे. फार्म बेस्ड प्रोग्राम है. इसका मेन पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च है ना जो काउंसिल, उनका प्रोग्राम है. तो इनका मेन पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन देना. जो प्रोडक्शन हो रही है, जो हम राइस वीट ग्रो कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, सो दैट वो हेल्थ को इंश्योर करे. ओके, ठीक है जी. जीरो हंगर क्या करेगा? क्या क्या समझ नहीं आ रहा, रिपीट कीजिए प्लीज. जीरो हंगर का क्या मतलब? जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो यूएन के अडॉप्ट किए हुए गोल्स हैं, उनके बीच का एक गोल है. सेकंड गोल है जीरो हंगर. हमें वर्ल्ड लेवल पे जीरो हंगर इंश्योर करनी है, उसके नेम से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. ओके मैम, ठीक है जी. अभी तक कोई डाउट हो, अभी भी किसी के मन में कोई भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क. क्लियर है ना सबको यहाँ तक? ओके, यस मैम. ओके, दिस इज योर होमवर्क. आप लोगों को आज क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट चेक करनी है कि कौन से हैं, एंड उनको लर्न करना है. ओके, एग्जामिनर कैन आस्क यू इन द मैच द फॉलोइंग कि गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 3 क्या है, इनको मैचिंग करो. गोल नंबर 14 क्या है, इसको मैच करो, क्या आंसर है. लाइक दिस वे. ओके, ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं. अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हम कल कर रहे थे. उस पे हमारे क्या कर रहे थे हम लोग कल, कहाँ तक किया था? किसी को कोई आइडिया है, कोई बता सकता है मुझे? ये कर रहे थे हम ज्योग्राफिकल एपिथेट्स. हमने कहाँ तक कर लिए थे? लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट. ओके, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स कर लिया था हमने भूटान तक. नेक्स्ट लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी किया था हमने. मैंने आपको बोला था कि फिनलैंड की लोकेशन चेक करनी है. की किसी ने चेक? नहीं की. फिनलैंड की लोकेशन कहाँ है, कोई बता सकता है मुझे? किसी ने चेक नहीं की? बाद में तो आप फिर क्लास कम ही लगाते हो.
जब 40 मिनट की लिमिट के बाद ना सेकंड क्लास होती है, उसके बाद तो फिर आप कम ही लगाते हो। अभी भी हमारा टाइम 7 मिनट ही रह गए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में का मैं लिंक सेंड करूंगी, लगानी है आप लोगों ने। ये नहीं है कि कोई भाग जाता है, आप लगाती नहीं। चलिए फिनलैंड की लोकेशन दिखा देते हैं आपको। फिनलैंड की लोकेशन एज यू मस्ट बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, देख सकते हो, स्क्रीन शो हो रही है आपको अभी। ये वाला मैंने सर्कल लगाया हुआ है जहाँ पे यूरोप वाले एरिया में, यूरोप में है। वेरी गुड, यूरोप में। हाँ जी, यूरोप में सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसकी? ये रही यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। फिनलैंड ये रही। किस किस को बॉर्डर टच कर रही है ये? रशिया को। एंड एक और कंट्री को टच कर रही है? स्वीडन। नहीं नहीं, हाँ जी स्वीडन को भी कर रही है। एंड एक और कंट्री को टच, नॉर्वे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो हो गई तीन बॉर्डरिंग कंट्रीज। अभी मेरे को इसकी कैपिटल बताओ, कौन बताएगा इसकी कैपिटल कौन सी है फिनलैंड की? है किसी को कोई आइडिया क्या कैपिटल है इसकी, फिनलैंड की? फिनलैंड की, हेलसिंकी। हाँ जी, हेलसिंकी। ये जो हमारा सी है ना स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में, ये कौन सा सी है? कौन सा है? बाल्टिक सी। जो अपना स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में जो सी है, जो एरिया है, वो कौन सा है? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी ये कंट्रीज आ गई, एस्टोनिया, लिटावा, लिथुआनिया, देन पोलैंड, देन जर्मनी, ये स्वीडन, फिनलैंड, इनके बॉर्डर्स को टच कर रहा है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन आस्क कर सकता है, विच ऑफ द कंट्रीज आर टच्ड बाय दिस बाल्टिक सी। आपको ये बाल्टिक सी की लोकेशन चेक करनी है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज चेक करनी है। ओके, अंडरस्टैंड? उसके बाद हम आर्कटिक सी पे चलते हैं। आर्कटिक सी मुझे बताओ किसने डिस्कवर किया था? आर्कटिक सी किसने डिस्कवर किया था? नहीं पता? ये रही हमारी डिस्कवरीज। आर्कटिक सी डिस्कवर किया था। ये आर्कटिक सी का एक्चुअली लोकेशन चेक करनी है आपको, कहाँ है। लोकेशन चेक करके हमारे इंडिया के कुछ मिशंस हैं आर्कटिक सी पे, आपको वो चेक करने हैं। जैसे इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ने ना अपने मिशंस छोड़े हुए हैं वहाँ पे आर्कटिक सी पे। आर्कटिक सी की लोकेशन आप मुझे ये बता सकते हो, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी टच कर रही है आर्कटिक सी को? इंडिया का मिशन है जो ये रहा अपना आर्कटिक सी ना, ये शो क्यों हो रही, शेयर हो रही है आपको? वर्ल्ड मैप शो हो रहा है आपको भी? वर्ल्ड मैप शो हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस। ओके, ओके, बताइए क्या वंशिका, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने रेज हैंड किया, ये आप ठीक है जी। हिमाद्री जो स्टेशन है ना इंडिया का, आर्कटिक सी पे है। कहाँ है ये? आर्कटिक सी के ना इंडिया का स्टेशन है कुछ, मतलब इंडिया ने रिसर्च स्टेशन बनाया है। ये कहाँ बनाया? कॉन्ग्स जॉर्डन प्रोटरी, इंड आर्क मिशन के नाम से। इंड आर्क, इंड आई एन डी ए आर सी, इंड आर्क मिशन इंडिया ने बनाया है। हिमाद्री स्टेशन इंडिया का इसे बोलती है। ये स्विट्जरलैंड है, एक नॉर्वे का आइलैंड, वहां पे बनाया हुआ है इंडिया ने आर्कटिक की रिसर्च करने के लिए। ओके, अभी हमारा टाइम ओवर हो रहा है, जस्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का सेंड कर रही हूँ आपको। देन उसके बाद अगर हम बात करें आर्कटिक की तो होगी, अंटार्कटिक की बात करें, अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन में इंडिया के भी कुछ मिशन है।
साउथ पोल किसने डिस्कवर किया एंड नॉर्थ पोल किसने डिस्कवर किया? नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पता है ना आपको क्या होता है. नॉर्थ पोल डिस्कवर किया था रॉबर्ट पेरी ने, रॉबर्ट आर ओ बी ई आर टी, रॉबर्ट पेरी. एंड साउथ पोल किसने डिस्कवर किया? अमंडसन, अमंडसन, ए एम, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, ए एम यू एन डी एस ई एन, अमंडसन. इसने क्या डिस्कवर किया? साउथ पोल. अंडरस्टैंड? यूएसए ने ना एक अपना मिशन भी बनाया है अमंडसन स्कॉट के नेम से, ना यूएसए का मिशन है साउथ पोल पे बनाया हुआ. रॉबर्ट अमंडसन, हाँ जी, साउथ पोल डिस्कवर किया, वेरी गुड. देन उसके बाद इंडिया का मिशन है. इंडिया का क्या मिशन है? इसका एक अंटार्कटिक है ना, उसकी एक्टिव वॉल्केनो भी है. क्या उसका अंटार्कटिका के एक्टिव वॉल्केनो का नेम है? ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो. हाँ जी बताइए, कौन बताना चाहता है? जो भी कोई बताना चाहता है बता दीजिए प्लीज, जिन्होंने रेज हैंड किए हुए हैं. एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है अंटार्कटिका का? ओनली एक्टिव वॉल्केनो ये है माउंट एरेबस. ओके चलिए, अभी मीटिंग एंड हो रही है, एक मिनट से कम रह गया. चलिए हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग का लिंक सेंड कर रही हूँ आपको. ओके okay?